नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरके स्टडीशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह नई नई जानकारी के लिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी धरने पर बैठे। भीषण गर्मी में लोग शिक्षण संचालनालय के बाहर दूसरे दिन भी दोस्तों डटे रहे। क्या है दोस्तों पूरा अपडेट, चलिए देख लेते हैं। राजधानी में भीषण गर्मी में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी दोस्तों मंगलवार को लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर जारी रही। यह 8 मई से दोस्तों धरने पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब शासन प्रशासन से आर पार की लड़ाई है, चाहे जो हो जाए पीछे नहीं हटेंगे। पॉलिटेक्निक चौराहे से अभ्यर्थियों ने कुछ दिन पहले बल्लभ भवन होकर रैली निकाली और संचालनालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों की मांग है कि शिक्षक भर्ती 2018 में उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों के विषय मात्र हिंदी और संस्कृत विषय के दोस्तों 500-500 पद बढ़ाए जाएँ, ये इनकी मांगें हैं। दोस्तों, प्रथम राउंड की काउंसलिंग में EWS वर्ग के 1039 पदों पर नियोजन प्रक्रिया शुरू हो। वर्ग 1 और 2 के गणित विषयों के साथ अन्य विषयों की भी दोस्तों अतिरिक्त सूची क्लियर कर उच्च माध्यमिक माध्यमिक शिक्षकों के विषय में पद वृद्धि कर दोस्तों तृतीय काउंसलिंग दोस्तों यहां पर की जाए। तृतीय काउंसलिंग की दोस्तों बात की जा रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।